तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्वाइवल गेम्स की। एंड ये सर्वाइवल गेम्स ऐसे वैसे नहीं होंगे, इन गेम के अंदर आप लोग को मल्टीप्लेयर का फीचर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज वाली सीरीज में जो गेम्स मैं आप लोग को बताऊंगा, शायद ही आपको उन गेम्स के बारे में पता हो। इस सीरीज में कुछ न्यू गेम्स है एंड कुछ हिडन सर्वाइवल गेम्स है जिनके बारे में शायद ही आप लोग को पता होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स की होती है, आप लोग इस वाली वीडियो को लाइक कर दो। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस सर्वाइवल गेम्स की सीरीज को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है एंड आज भी मैं आपसे एक मस्त वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपको क्या लगता है कि कौन से एनिमल से सरवाइव कर पाना ज्यादा मुश्किल होगा? आज आपके सामने दो ही ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए होगा डायनासोर, ऑप्शन बी होगा शार्क। इस वाले क्वेश्चन का आंसर सब लोगों का अलग अलग हो सकता है, बट फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। तो हम लोग यहाँ पर अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ सर्वाइवल सीरीज का गेम नंबर 1। गेम का नाम है जुरासिक वर्ल्ड प्रीमल ओपीएस। ये एक ऑनलाइन गेम होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 300 MB। ये वाला गेम 2022 में लॉन्च हुआ है एंड ये वाला गेम बस एंड्रॉइड के ऊपर ही अवेलेबल है। जुरासिक वर्ल्ड प्रीमल ओपीएस एक थ्रिलिंग टॉप डाउन एक्शन एडवेंचर गेम है। ये वाला गेम अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, तो ज्यादातर लोगों को इस वाले गेम के बारे में नहीं पता होगा। आपको इस वाले गेम में डायनासोर से बचना नहीं है, बल्कि आपको डायनासोर को बचाना होगा। काफी सारे लोग डायनासोर को पकड़ने के लिए आएंगे, लेकिन आपको उन सभी से फाइट करनी होगी और डायनासोर को ले जाने से रोकना होगा। और इस काम को करने में डायनासोर भी आपकी हेल्प करेंगे। एनिमीज आपको भी मारने आएंगे, तो आपको उनसे सर्वाइव करना पड़ेगा। आपको गेम में डिफरेंट तरह के डायनासोर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कार्निटोरस, टाइसरटॉप और टीरेक्स। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 1 लाख प्लस डाउनलोड है एंड इसको 4.4 की रेटिंग मिली हुई है आउट ऑफ 5 में से। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लेयर सर्वाइवल सीरीज का गेम नंबर 2। गेम का नाम है डेज ऑफ डीके। ये एक ऑनलाइन गेम होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 260 MB। इस वाले गेम का अर्ली एक्सेस प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। ये वाला गेम एंड्रॉइड के लिए तो है ही, जब ये वाला गेम पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तो शायद इस वाले गेम को iOS डिवाइस के लिए भी लॉन्च कर दिया जाए। डेज ऑफ डीके एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर रोल प्लेइंग सर्वाइवल गेम है। आपको इस वाले गेम में सच की तलाश करनी होगी और किसी भी कीमत पर आप लोग को जिंदा रहना पड़ेगा। इस वाले गेम में आप लोग अपना शेल्टर बना सकते हो, पावरफुल वेपन को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो एंड आपको गेम में पावरफुल क्रिएचर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसका सामना आपको और आपकी पूरी टीम को करना पड़ेगा। इस वाले गेम की ग्राफिक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है एंड इस वाले गेम में आप लोग को 2028 का प्लेनेट अर्थ दिखाया गया है। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 10,000 प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, तो आप भी जाओ इस वाले गेम को चेकआउट करो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लेयर सर्वाइवल सीरीज का गेम नंबर 3। गेम का नाम है प्रोजेक्ट आइलैंड। ये एक ऑनलाइन गेम होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 1 GB। ये वाला गेम 2022 में लॉन्च हुआ है एंड ये गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग इस वाले गेम को गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको इस गेम को डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ेगा टैप टैप स्टोर के ऊपर। ये एक काफी अच्छी ग्राफिक्स वाला न्यू मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम है। आप लोग इस वाले गेम में क्राफ्टिंग कर सकते हो, बिल्डिंग कर सकते हो, काफी बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप मिल जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। ये एक नॉर्मल सा सर्वाइवल गेम है जहाँ पर आप लोग को रहने के लिए शेल्टर तैयार करना होगा, एनिमल्स को मारना होगा, फूड्स एंड रिसोर्सेज को कलेक्ट करना होगा। आप लोग गेम के अंदर बाइक एंड बोट को भी ड्राइव कर सकती हो एंड गेम की स्टार्टिंग में आप लोग अपने कैरेक्टर को थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी यहाँ पर कर सकोगे। टैप टैप स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 20,000 प्लस डाउनलोड हो चुके हैं एंड इसको 10 में से रेटिंग मिली हुई है 6.7 की। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड अब मैं आपको बताता हूँ सर्वाइवल मल्टीप्लेयर सीरीज का गेम नंबर 4। गेम का नाम है फोर गन्स ऑनलाइन जोम्बी सर्वाइवल। ये वाला गेम ऑनलाइन होगा एंड डाउनलोडिंग साइज होगा 372 MB। इस वाले गेम का अर्ली एक्सेस गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग एंड्रॉइड एंड iOS दोनों ही डिवाइस में इस वाले गेम का अर्ली एक्सेस प्ले कर सकते हो। ये एक जोम्बी सर्वाइवल कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें आपको पिक्सल वाले कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें आप लोग को प्लेयर वर्सेस एनवायरमेंट एंड फर्स्ट पर्सन शूटर का सपोर्ट मिलेगा। इस वाले गेम में हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर जोम्बीज का हमला हो चुका है एंड उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे प्लेनेट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। आप लोगों को वेपन का एक पूरा का पूरा बंकर दिया जाएगा। आपका मिशन ये होगा कि आपको सभी ज़ॉम्बी बॉसेस से फाइट करनी पड़ेगी एंड दोबारा से अपने प्लेनेट को अपना बनाना होगा। आपको गेम में बॉसेस से फाइट करनी पड़ेगी, वो भी अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ में। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 5 लाख प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, तो आप लोग भी जाओ चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी गेम्स की डाउनलिंक दे दी होगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लेयर सर्वाइवल सीरीज का गेम नंबर 5।
गेम का नाम है वॉर जी लॉ ऑफ सर्वाइवल। ये एक ऑनलाइन गेम होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 153 MB। ये वाला गेम 2018 में लॉन्च हुआ था एंड ये गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। ये एक बैटल रॉयल टाइप का मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम है। इस वाले गेम में भी स्टोरी सेम रहेगी। प्लैनेट अर्थ के ऊपर हमला हो चुका है काफी सारे ज़ॉम्बीज का। अब आपके पास में सिर्फ एक ही गोल है कि आप लोग को सर्वाइव करना है। इस गेम में आप लोग को रियल सीन एंड HD क्वालिटी ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। आप लोग गैदरिंग मटेरियल्स को कलेक्ट कर सकते हो एंड अपने वेपन को यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। इस सिचुएशन में सबसे पहले आप लोग को अपना शेल्टर बनाना होगा जहाँ पर ज़ॉम्बीज आप तक ना पहुँच सके। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने आप लोग को मल्टीप्लेयर सर्वाइवल सीरीज के 5 के 5 गेम बता दिए हैं। तो टाइम आ चुका है अपनी इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करने का। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जैसे लाइक करना, फ्यूचर में भी ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी गेम्स डाउन लिंक दे दी होगी, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप लोग इन वाले गेम्स को एंजॉय करो। मैं आपसे किसी ऐसी अमेजिंग वीडियो में दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।